असल्स माइन रिजवान चीमा वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज की स्टूडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज से लेकर चक्री रोड तक जो प्रॉपर कारपोरेट रूट है उसके वाले से एक्सप्लेन करूँगा प्लस आपको एक्चुअल साइट की फुटेज एक्सप्लेन करूँगा विद अपडेटेड इमेजेस ऑफ फिफ्टीथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इस वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल जिस जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट की है या फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उस जगह की ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है एज मड ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब देखा जाए अगर कैप्टल स्मार्टी को तो राइट ना कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो इंटरचेंज बननी है जहां पे आपको लैंडस्केप नजर आनी है जहां पे आपको ग्रीनरी प्लांटेशन अंडरपास में सिक्स का रूट वह नजर आना है उन चीजों में भी टाइम है बट राइट नाउ अगर आप कैपिटल स्मार्ट करना चाहते हैं जीरो पॉइंट से तो हार्डली ट्वेंटी फाइव से थर्टी मिनट्स के अंदर एक्सेस लेके यहां पे जा सकते हैं उसकी वजह ये है कि स्मार्ट सिटी जीरो पॉइंट से एक्ट थर्टी सिक्स पॉइंट वन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बारह किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो साइट पर जाना और विजिट करना इज नॉट एन इशू साइट पर इस वक्त अगर एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपके पास एक्सेस जो है स्लिप पिन के थ्रू मौजूद है जिन मेंबर्स के पास स्मार्टी के अलाटमेंट्स हैं वो उसकी बेस पे स्मार्टी का पास बनवा सकते हैं और यहाँ पर रेगुलरली कम्यूट कर सकते हैं ये तो स्लिप इन पॉइंट हो गया कि आप स्मार्टी के अंदर जा सकते हैं बट आपको स्मार्ट से निकलने के लिए जो एग्जिट पॉइंट है वो यूज़ करना पड़ता है वो आपको चक्री इंटरचेंज जाना पड़ता है और वहाँ से वापस आना पड़ता है अभी इस मंथ के एंड पे मैंने एक पंद्रह दिन पहले या दस दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने प्रॉपर वो पार्ट दिखाया था जहाँ से एग्जिट बन रहा है प्रॉपर गेट लग गया है मोटरवे पर रोड कारपेट हो गया सारा पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उस पार्ट से जब एग्जिट ओपन होगा तो स्मार्टी में इंटरचेंज जो लैंडस्केपिंग वाला पार्ट है जो शशकों वाला पार्ट है वो रह जाएगा बाकी जो है इंटरचेंज फुली ऑपरेशनल हो जाएगा राइट right नगर आप फुटेज देख रहे हैं तो ये प्रॉपर टोल टोल प्लाजे जो होते हैं जैसे आपने पास करना है आपने टोल टैक्स अदा करना है जो मेम्बर्स होंगे स्मार्ट टी के उनका जाहिर सी बात है एम लगा होगा तो उनको यहाँ पे एक्सेस जो होगा वो ईजी होगी यहाँ पर टोल टैक्स जो है स्मार्ट टी का स्पेसिफिक इंटरचेंज है जहाँ से आप एंटर होकर यहाँ से स्मार्ट टी में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मोटरवे जो है वो पाकिस्तान की सबसे प्रिवेलेड रोड है या सबसे कह लें कि फ्लैगशिप रोड है इस रोड पर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक टैक्स है अदा करना पड़ता है इस केस में जब स्मार्टी का इंटरचेंज बन जाएगा तो स्मार्ट इंटरचेंज बनने के बाद मोटरवे से एग्जिट लेना मेंबर्स के लिए आसान होगा और याद रहे कि सोसाइटी ने इस एक्सेस पॉइंट के लिए चार सौ बासठ कनाल जमीन जो है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नाम करवाई है और इसके अलावा तकरीबन आपको सिक्सटी थाउजेंड पर कनाल के हिसाब से आपका टोटल जो रकबा बनता है आपने फीस पे की है इंटरचेंज की जो कि अरबों में बनती है अब मैं नंबर्स में नहीं जाता कितने नंबर्स पे किए हैं सोसाइटी ने बट इन एनी केस स्मार्ट सिटी ने जो कमिटमेंट की थी बैक इन ट्वेंटी एटीन जब इसको लॉन्च किया गया था तो कहा गया था हम मोटरवे से अपनी इंटरचेंज और अपनी एक्सेस बना के मेम्बर को स्पेसिफिकली रूट प्रोवाइड करेंगे तो स्मार्ट ने फिजिकली वो करके दिखाया है आज की डेट में ये सारी चीजें जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये वीडियोस आप जो देख रहे हैं फुटेज ये सारी की सारी जो अपडेटेड हैं तो अभी आजकल पाकिस्तान के हालात का डेफिनेटली हर बंदे को अंदाजा है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं अगर आपके पास डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट है वन पॉइंट मिलियन थ्री मिलियन अप टू 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन आई डोंट थिंक सो कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है क्योंकि राइट नाउ स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन बनती है इन्होंने शहर से 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे इसलिए स्टार्ट किया प्रोजेक्ट कि इसको एज ए सोसाइटी प्लान नहीं किया गया था कि एक छोटी मोटी सोसाइटी बनाएंगे प्लॉट बेचेंगे पैसे इकट्ठे करेंगे और निकल जाएंगे इसको एज ए सिटी प्लान किया गया था आप इससे अंदाजा लगा लें कि एम टू मोटरवे पर जहाँ पर स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज इस वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा है इसके ऑपोजिट लैंड प्रोक्योरमेंट जारी है जाके जाके कनेक्ट करती है सी पैक हकला डी आई खान मोटरवे को तो एक गेट जब यहां पर बनेगा सी खानकला मोटरवे पे एक गेट जब यहां पे होगा तो टेक्निकली जो पाकिस्तान की सबसे फ्लैगशिप रोड है वो सोसाइटी के अंदर से जारी होगी यानी कि जो, जो मोटरवे है वो दोनों साइड पर अगर स्मार्ट सिटी है तो सेंटर से मोटरवे गुजर रही है तो मोटरवे किस्म की स्मार्ट सिटी की अपनी मेन बुलेबड़े का किरदार अदा करेगी क्योंकि सिर्फ स्मार्ट सिटी के पास और शायद आगे जाकर डी के पास इंटरचेंजेस जब होंगे अच्छा एक और सवाल आता है कि दूसरी सोसाइटीज़ जो है नियर बाय क्या वो इंटरचेंज एक्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं डेफिनेटली कर सकती हैं क्योंकि आपने सोसाइटी में एंटर होना है तो वो किसी भी मेंबर के लिए पॉसिबल है अगर आप टोल टैक्स पे करते हैं अंदर आते हैं और वहाँ से एग्जिट लेके चक्री रोड और चक्री रोड से भी जगह जा सकते हैं बट टेक्निकली जो मेन मोटरवे होगी वो स्मार्ट सिटी जब अंदर से गुजरेगी तो इट विल एक्ट लाइक जो मतलब कह लें कि कश्मीर हाईवे जैसे इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है उसी तरह मोटरवे जो होगी वो स्मार्ट स्मार्टी के अंदर से गुजरने के बाद एक किस्म की कश्मीर हाईवे की तरफ से होगी क्या आपके सामने वाले साइड पर एक इंटरचेंज है और आपकी सोसाइटी को दो इंटरचेंजेस लगते हैं तो अपनी तो मेन बुलवेड जो चार फुट की है वो है लेकिन उसके साथ साथ जब मोटरवे गुजरेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आएंगे वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में अब तक जो मैंने पार्ट एक्सप्लेन किया है आपके गेट से लेके प्रॉपर जो 400 फीट रोड तक एक्सेस है वहां तक आ जाते हैं इस पार्ट तक कोई भी एक स्ट्रीट जो है वो कच्ची नहीं है आपको मिनिमम जो रोड रोडवेट मिलती है इस पार्ट तक आने के लिए वो पचास फुट है और मैक्सिमम रोड मैक्सिमे चार सौ फुट है right जिस राइट नाउ जिस पार्ट पे मैं ये वीडियो कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं ये जो पार्ट है इसका नाम है एक्सेस पॉइंट वन से वहां से डायरेक्टली आके ये लेफ्ट साइड पर मेरे मस्जिद का प्लॉट है गॉल्फोर के सामने टू हंड्रेड फिफ्टी टू कनाल का राइट right साइड पे जो मेरे अभी आप ब्लॉक देख रहे हैं जी ब्लॉक है जी ब्लॉक में दस मरला की कटिंग्स हैं कुछ कॉर्नर प्लॉट हैं बारह मरला के एक्स्ट्रा लैंड के साथ उस जी ब्लॉक के बिल्कुल बैक साइड पे लेक व्यू कमर्शियल आते हैं याद रहे लेक व्यू कमर्शियल जो है ये ट्वेंटी परसेंट पेमेंट के साथ आप पोजेशन लेके डायरेक्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो लेक व्यू कमर्शियल है ये फेसिंग गोल्फ कॉर्स हैं मेरे लेफ्ट साइड पर जो आपको एसफाल टोवा रोड नज़र आ रहा है इस रोड जो है गोल्फ कोर्स के अंदर चारकनाल के विलास जो बन रहे हैं उसका रोड होगा अब इस रोड की विड्थ की मैं बात करूँ वन एटी फीट है राइट साइड पर जो कमर्शियल की पार्किंग है सेवेंटी सिक्स फीट है और लेफ्ट साइड वन ट्वेंटी फीट रोड है तो आपको वॉल टू वॉल डिस्टेंस जो है तीन सौ फुट का मिलता है अब जो पे आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है इस पार्ट का नाम जो है वो ब्लॉक बी है अच्छा एक और बात आती है कि ओवरऑल ब्लॉक के सबसे ज़्यादा नाखुश हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है कि डेड है क्योंकि वो डेवलप नहीं हो अब तक लेकिन एक्जेक्टिव ब्लॉक की अच्छी बात है कि जब भी डेवलप होगा ना तो स्मार्ट सिटी में शायद इससे महंगा ब्लॉक कोई भी ना हो उसकी वजह यह है कि चक्री चक्रोड पर चार प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी चक्री रोड पर एग्जिस्ट करते हैं जब उन प्रोजेक्ट्स की जो रेजिडेंट्स uh, होंगे वो मूव करेंगे स्मार्ट सिटी इंटरचेंज की तरफ तो वाहद ऑप्शन जो बचता है इंटरचेंज पर चढ़ने का वो ये रोड बचता है जो आपके सामने भी आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो सिल रिवर के ऊपर से पुल बना है इस पुल से आगे जो रोड आपको नज़र आ रहा है अब इस रोड के बजाय कोई और रोड नहीं है अब इस रोड पर जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बहुत महंगी होंगी नंबर वन आपका एक्जेक्टिव का बी ब्लॉक आता है जहाँ पे पाँच मल्ला का रेजिशल है अगर आपको इन्वेस्टमेंट है पच्चीस तीस लाख की तो आप एक ईजीली पाँच मल्ला का पोजेशनबल प्लाट यहाँ पे लेके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है करोड़ सवा करोड़ रुपया तो आप यहाँ पे पाँच मल्ला का विला भी खरीद सकते हैं पाँच मल्ला का विला है चार मरला कमर्शियल प्लाट्स हैं उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं अब आते हैं एक्जेक्ट ब्लॉक से थोड़ा सा आगे तो वहाँ पर आपको लेक वे कमर्शियल मिलता है जहाँ पर आप आठ मरला चार मरला का प्लाजा बना सकते हैं उसको आप जैसे क्रॉस करते हैं यानी लेक लेके कमर्शियल के बाद एक्जैक्ट ब्लॉक है अगर आप मोटरवे से जा रहे हैं चक्री रोड की तरफ जब फुटेज देख रहे हैं अभी तो पहले आपके राइट साइड पे ले गई कमर्शियल साथ ही बिल्कुल आगे आपके एग्जेक्टिव ब्लॉक बी उससे आगे मूव करते हैं तो ब्रिज ब्रिज को जैसे ही क्रॉस करते हैं जो रोड अभी आप कारपेटेड देख रहे हैं ये एक्सेस रोड वन एक सौ अस्सी फुट वाइड है इससे आप राइट साइड पर जो मेरा ब्लॉक है वो ब्लॉक जे के एल है और राइट लेफ्ट साइड पर जो मेरा ब्लॉक है ये सेक्टर एच है और ओवरसीज टाइम की मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें तुम्हारे तमाम से सेक्टर कवर कर दूंगा ताकि जिन मेम्बर्स की इन्वेस्टमेंट है उनको फॉलोअप मिल सके राइट नाउ ओवरसीज़ प्राइम वन तकरीबन सारे का सारा डेवलप्ड है कुछ रो सेक्टर ऐसे जहाँ पे रोड्स की कारपेटिंग नहीं हुई सेक्टर ई और सेक्टर सी सेक्टर बी का पार्शल पार्ट सेक्टर जी में सेक्टर एच में प्रॉपर्ली कारपेटिंग हो चुकी है प्लेक्टर एफ में भी हो चुकी है ये ओवरऑल जो है साइड पे लेफ्ट साइड में जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है सेक्टर एच है ओवरसीज़ प्राइम वन का जहाँ पे सिर्फ वन किनाल के प्लॉट हैं अगर आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं तो आप सीधा ओवरसीज ईस्ट में जा सकते हैं तो मोटरवे से अगर आप उतरते हैं तकरीबन आप छः या सात किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप ओवरसीज ईस्ट में भी जा सकते हैं और उसी मोटरवे को पॉइंट को आप एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन फाइव पॉइंट किलोमीटर के बाद आप चक्री इंटरचेंज को भी टच कर सकते हैं याद रहे कि दो मोटरवे और चक्री इंटरचेंज को मिलाने वाला ये वाहिद रोड है इससे पहले सिर्फ चक्री इंटरचेंज है जो मोटरवे को मिलाता है इसके अलावा कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करता ये स्मार्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी है यानी कैपिटल स्मार्टी इसका ओनर है जो जाहिद रफीक ग्रुप है पूरा एचरल ग्रुप और प्लस फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स वो इस रोड को ओन करते हैं तो फ्यूचर में किसी भी इंडिविजुअल ने अगर मोटरवे पे जाना है जब इंटरचेंज बन जाएगा तो ये रूट सबसे शॉर्टेस्ट होगा और सबसे एक्सेसिबल होगा तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा लोगों का फुटफॉल जो होगा वो इस सोसाइटी में होगा चाहे चक्री रोड पर जितने मर्जी ब्रांड्स बैठ हैं किसी के पास इंटरचेंज मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है मरता क्या ना करता मोटरवे पर अगर जाना है और डिस्टेंस कट करना है तीस चालीस किलोमीटर तो आपके पास वाइद ऑप्शन जो बचता है दैट इज कैपिटल स्मार्टिटी एक्सेस रोड वन राइट में जो फुटेज आप देख रहे हैं गेट वन की फुटेज है और गेट वन के साथ आपको जो कंस्ट्रक्शन है जो बेसिक काम है फाउंडेशन का उस पर स्टार्ट हो चुका है काम अब जब ये गेट कम्प्लीट होगा तो इनशाला इसके हवाले से मैं डिटेल वीडियो बाद में शेयर कर दूँगा और ये बैक साइड पर चक्री रोड है और उसके पीछे सोसाइटी का अपना कैंप ऑफिस मौजूद है जहाँ पर सोसाइटी की जो लेबर है प्लस जो सुपरवाइज़र हैं साइट के इंजीनियर्स हैं उनके सारा जो कैंप ऑफिस है वो चक्री रोड से लेफ्ट साइड में बना हुआ है और चक्री रोड से अगर राइट साइड पे देखें मैं अगर चक्री रोड से आ रहा हूं तो मैं मेरा फेस अगर टुवर्ड तो चक्री इंटरचेंज तब मैं बात कर रहा हूँ अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यह आपको पार्ट नजर आ रहा है ये सेक्टर जी है जो मुकम्मल डेवलप्ड है मुकम्मल वाला है रोड की कारपेटिंग आपको नजर आ रही है यह इसमें हर एक स्ट्रीट जो है वो पचास फुट की इससे छोटी कोई स्ट्रीट एग्जिस्ट नहीं करती ये सेक्टर जी ओवरसीज प्राइम वन की बात है सो विज दिस इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए हो तो देखिए नंबर पर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज